सुप्रभात दोस्तों, आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा आक्रामकता के निर्धारक, यानी वो कौन कौन से कारक हैं जो आक्रामकता को प्रभावित करते हैं या जिनके कारण व्यक्ति के अंदर आक्रामकता या आक्रामक व्यवहार उत्पन्न होता है। चलिए एक बार इसको हम शुरुआत करते हैं। भारतीय परंपरा में अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि आक्रामकता का प्रबंधन यानी इसका मैनेजमेंट इसे प्रदर्शित करने से कहीं अधिक उपयोगी होता है। अर्थात अगर हम एग्रेशन का अग्रेसिव बिहेवियर को बहुत बढ़िया से मैनेज करें तो जो इसको प्रदर्शित करने से व्यक्ति को जो परिणाम उत्पन्न होते हैं उससे कहीं ज़्यादा कई गुना परिणाम उसको तब मिलेंगे और पॉजिटिव उसको जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो तब मिलते हैं जब उसका वो सही से व्यक्ति उसको प्रबंधन कर लेता है, क्योंकि ये ऊर्जा का एक चैनलाइजेशन होता है। अगर व्यक्ति इसका सही प्रबंधन करता है तो इसका मतलब ये है कि उसके व्यक्ति के अंदर उपजी हुई जो ऊर्जा है उसका जो चैनलाइजेशन है वो पॉजिटिव है और वो ना केवल व्यक्ति के लिए परिवार के लिए बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी उसका बहुत बड़ा योगदान होता है, उसके निर्माण में उसका योगदान होता है। यही है आक्रामकता का प्रबंधन। आक्रामकता मानव मस्तिष्क को, स्वामी जी कहते हैं कि जो मानव मस्तिष्क है उसको आक्रामकता एक लहर, विशाल लहर के में बदल देती है, मतलब गुस्से की एक लहर, बिग वेव जैसे। वो बताते हैं कि आक्रामकता कैसे है, जो अग्रेशन है या गुस्सा है सॉरी, इससे व्यक्ति के अंदर कैसे होता है। जैसे जब झील, कोई तालाब है, कोई झील है, उसके तल से आप देखिए एक बुलबुला ऊपर उठना शुरू होता है तो व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है। जब वो सतह पर आ जाता है तब भी नहीं दिखाई देता है। पर दिखाई कब देता है, वो तब दिखाई देता है जब वो फट कर एक तालाब में की सतह पर एक लहर का निर्माण करता है, तो उस लहर के रूप में हमें वो बुलबुला दिखाई देता है। सेम कंडीशन, सेम स्थिति आक्रामकता के बारे में होती है। जब व्यक्ति के अंदर आक्रामकता धीरे धीरे उत्पन्न होती है तो उसका अंदाज़ा नहीं होता है, लेकिन जब वो एक व्यक्ति को, मस्तिष्क को एक गुस्से की लहर में बदल देती है जिसके तभी आक्रामकता का प्रदर्शन होता है और जो बहुत ही स्वयं के लिए और दूसरों के लिए भी एक हानिकारक हो सकती है। ये सब थे आक्रामकता के बारे में स्वामी विवेकानंद जी के। अब आगे देखिए, जो भारतीय पारंपरिक साहित्य है वो इसको किस प्रकार से परिभाषित करता है। आक्रामकता व्यक्ति को अच्छे और बुरे में विभेद करने की व्यक्तिगत क्षमता से वंचित करती है। बिल्कुल उचित बात है ये कि आप देखें कि जब व्यक्ति आक्रामक होता है, अग्रेसिव होता है या इन द फीस्ट ऑफ एंगर होता है वो, तो क्या चीज़ अच्छा है, कौन बुरा है, उनके बीच में डिस्क्रिमिनेट करना भी काफ़ी व्यक्ति के लिए मुश्किल हो जाता है। उसके बाद देखेंगे एक विचार या स्थिति को, आइडिया हो, कोई सिचुएशन की लाभ और हानियों को आंकने की शक्ति भी क्षीण हो जाती है कि इसमें क्या होगा, क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है, इसका भी अंदाजा व्यक्ति नहीं लगा सकता। और आक्रामकता तीव्र विमोह का कारण बनती है, यानी कि विमोह का मतलब है एक तरह से अलग हो जाना, भावनाओं में बहकर लोगों से अलग, अपने अपने स्वार्थ उसके अंदर व्यक्ति के अंदर भर जाता है और वो विमोह जो व्यक्ति को एक प्रकार का उसके अंदर मनोशारीरिक अंधापन पैदा करता है, यानी जो विमोह है, आप देखिए एग्रेशन से विमोह यानी कि डिलूजन उसका उत्पन्न हुआ और डिलूजन से या विमोह से व्यक्ति के अंदर साइकोफिजियोलॉजिकल ब्लाइंडनेस, मनोशारीरिक अंधापन उसके अंदर उत्पन्न होता है। इसका अर्थ यह है कि क्या होगा, क्या हो रहा है, क्या आपके व्यवहार की कॉन्सिक्वेंसेज, परिणाम हो सकते हैं, व्यक्ति उन सब के बारे में पूर्ण रूप से ब्लाइंड या अंधा हो जाता है। यह है अंधापन। व्यक्ति की ज्ञान संबंधी कार्य प्रणाली को पंगु बना देता है, यानी आपकी कॉग्निटिव एक्टिविटी जो होती है दे गेट पैरालाइज्ड इसके कारण से, यानी अंधेपन के कारण से, जिसके परिणाम स्वरूप केवल व्यक्ति को विफलता ही हाथ लगती है। यह था किस प्रकार से भारतीय पारंपरिक साहित्य आक्रामकता को परिभाषित करता है। अब उनकी कुछ निर्धारक की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें सामाजिक, फिर पर्यावरणीय, परिस्थिति परक एवं व्यक्तिगत। सामाजिक देखिए, आप सामाजिक संस्थानों, सोशल इंस्टीट्यूशंस, सबसे बड़ा जो सामाजिक संस्थान व्यक्ति का है हमारे समाज में या पूरी दुनिया में है वो है परिवार। उसके बाद अलग स्थान है, कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, आपका समाज हो गया, कम्युनिटी सेंटर्स हो गए, ये सारे के सारे सामाजिक संस्थान में आते हैं।
सामाजिक संस्थानों से सीखना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सामाजिक संस्थानों से सीखते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन से सीखते हैं, और वो भी अवलोकन द्वारा, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से। और ये भी एक निर्धारक है, व्यक्ति की व्यक्तिगत जिम्मेदारी की भावना का लुप्त होना। अब देखिए आप कितना बड़ा निर्धारक है, जब कहीं पर व्यक्ति अकेला होता है तो उसको वो अपने आप को समाज के प्रति जिम्मेदार समझता है, लेकिन जब वही व्यक्ति भीड़ में होता है तो उसकी जो व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, उसकी पर्सनल आइडेंटिटी है, वो लॉस हो जाती है, खो जाती है, और उसके अंदर भीड़ में एक अलग सा व्यवहार करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। इसी को हम कहते हैं कि व्यक्ति की व्यक्तिगत जिम्मेदारी की भावना का लुप्त होना। आगे देखिए, समाज के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उत्तेजित किया जाना। अगर कोई व्यक्ति है उसको समाज के सदस्य मेंबर्स ऑफ सोसाइटी है, वो उसको बार बार अराउज कर रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं, उसको उत्तेजित कर रहे हैं, तो भी एक निर्धारक होता है व्यक्ति अग्रेसिव व्यवहार करेगा। सामाजिक प्रदर्शकों के कारण कुंठा का उत्पन्न होना। सोशल एजेंट्स, हमने पहले चर्चा की थी, सोशल एजेंट्स परिवार है, माता पिता है, योर पीयर ग्रुप है, आपका स्कूल है, आपका टीचर है, ये सारे के सारे सोशल एजेंट्स हैं, समाज है। इनके कारण व्यक्ति में अगर फ्रस्ट्रेशन का जन्म होता है, किसी कारण से फ्रस्ट्रेशन का जन्म होता है, तो व्यक्ति में अंदर अग्रेसिव बिहेवियर होगा ही होगा। जैसे जिस प्रकार से अगर कोई बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा मोबाइल खेलने की लत है, मोबाइल से गेम खेलने की उसके अंदर लत है, और उसकी माँ या पिताजी कोई भी बार बार उसको ये कहता है कि बेकार है, छोड़ो इसको, तुम रखो इसको, तो उस व्यक्ति के अंदर धीरे धीरे कुंठा का जन्म होना शुरू हो जाता है, और वो कुंठा एक दिन अग्रेसिव बिहेवियर में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि सामाजिक प्रदर्शन के कारण भी कुंठा उत्पन्न होती है। और सामाजिक कौशलों में अपूर्णता इत्यादि, यानी जो आपकी सोशल स्किल है, दोस्ती बनाना, इंटरपर्सनल रिलेशंस है, कोई मेहमान आता है उसे कैसे व्यवहार करना है, भीड़ में आप समाज में हैं उसमें कैसे व्यवहार करते हो, रोड पर चलते हुए कैसे व्यवहार करना है आपको, और किस तरह से दूसरे लोगों की उपस्थिति में जो भोजन करने की जो आपकी प्रक्रिया है वो क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सामाजिक कौशल होते हैं, सोशल स्किल्स होती हैं और एटिकेट्स होते हैं। अगर इनमें किसी प्रकार की अंदर कोई कमी है, कोई अपूर्णता है, तो भी व्यक्ति के अंदर अग्रेसिव बिहेवियर का मैनिफेस्टेशन होता है या प्रदर्शन होता है। ये थे आपके सामाजिक डिटर्मिनेंट्स थे या निर्धारक थे। आप पर्यावरण के देखते हैं, पर्यावरण का मतलब आप देखिए प्राकृतिक आपदाएं, यानी कि जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, ये भी व्यक्ति के अंदर अग्रेसिव बिहेवियर को जन्म देते हैं। फिर नेक्स्ट है प्रदूषण, स्पेशली वायु प्रदूषण, यानी कि एयर पोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्यक्ति जब जहाँ पर एयर पोल्यूशन ज़्यादा है वहाँ पर अग्रेशन लोगों के अंदर ज़्यादा पाने की संभावना होती है। शोर बहुत ही बड़ी बात है ये, कि शोर भी, यानी कि साउंड है, आवाज़ है ये, और अगर एक लेवल, एक डेसिबल लेवल से ज़्यादा पहुँच जाती है तो व्यक्ति ऑटोमेटिकली अग्रेसिव बिहेवियर करना शुरू कर देता है। और ये डोनस्टीन एंड विल्सन ने 1976 के अपनी स्टडीज़ में काफ़ी कुछ अध्ययन इनके बारे में उन्होंने बताया है कि शोर किस प्रकार से व्यक्ति के अंदर अग्रेसिवनेस को जन्म देता है। फिर आप देखिए अत्यधिक भीड़, आप जब व्यक्ति जब भीड़ में फंसा होता है तो वहाँ भी अगर कोई उसको धीरे से साइड से कोई टच कर दे, पैर जूते पे या पैर रख दे, या उसकी कपड़े को खींच ले, या कहीं ना कहीं से, तो इस प्रकार से उसका पर्सनल स्पेस, यहाँ पर उसका जो व्यक्तिगत जो उसकी जगह होती है, स्पेस होता है, उसमें कोई अगर इंट्रूड करता है, इंटरफेयर करता है, तो व्यक्ति के अंदर एग्रेशन एक जन्म लेता है, उत्पन्न होता है। आप देखेंगे जब पुरुष, इसमें एक स्टडी पाई गई है, फ्रीडमैन 1975 बताते हैं कि जब लोग पुरुष जो है एक साथ भीड़ में होते हैं तो उनके अंदर एग्रेसिव बिहेवियर करने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। वहीं पर महिलाओं के लिए उल्टा है, अगर महिलाएं जब भीड़ में होती हैं तो उनके अंदर जब महिलाओं के आपस में भीड़ हो तो वहाँ पर वो ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर नहीं करती हैं, कम, बहुत ही कम करती हैं, बल्कि उनके अंदर इंटरपर्सनल रिलेशंस बढ़ जाते हैं, वो एक दूसरे से विचार व्यवहार और चर्चा करती हैं। आगे देखेंगे हम हाई टेम्परेचर, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कि जो हाई उच्च तापमान है ये भी व्यक्ति के अंदर अग्रेसिव बिहेवियर को जन्म देता है। ये पाया गया है कि जब गर्मियाँ होती हैं ट्रॉपिकल रीजन्स में या कहीं पर भी जब गर्मी होती है, जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है, उस समय लोगों में अग्रेशन ज़्यादा मैनिफेस्ट होता है, ज़्यादा लोग प्रदर्शित करते हैं। इसका एक अगर आप ये मोगडम जो थे, मोगडम 1998 में उन्होंने इस बात पर चर्चा की थी और डिस्कस भी करके और रिसर्च किया था कि पाया कि उच्च तापमान कारण लोगों के अंदर अग्रेशन ज़्यादा पाया जाता है। यानी कि आक्रामकता और तापमान, यानी कि अग्रेशन और टेम्परेचर दोनों के बीच में जो अंग्रेजी का अक्सर यू होता है ना, उसका उल्टा रिलेशनशिप होता है। अगर कुछ लेवल पर अगर तापमान बढ़ता चला जाएगा, अग्रेशन बढ़ता चला जाएगा, तापमान रुक जाएगा, अग्रेशन रुक जाएगा, तापमान अगर कम होता चला जाएगा तो अग्रेशन भी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। ये थे आपके पर्यावरण निर्धारक। परिस्थिति परक, यानी कि प्रतिस्पर्धा, अगर कॉम्पिटिटिव, अगर व्यक्ति कॉम्पिटिशन कर रहा है किसी के दूसरे अपने साथी के साथ,
तो भी उसके अंदर अग्रेसिव बिहेवियर उत्पन्न हो सकता है। समय का दबाव या समय सीमा का सख्ती से पालन करना, मीटिंग डेडलाइंस, टाइम का प्रेशर होता है कि मुझे काम करना ही है, आपके ऊपर बिल्कुल प्रेशर है कि आपको कॉलेज समय से पहुंचना है, और आप जब आप जा रहे हैं तो आपको पता चलता है कि रास्ते में रेलवे फाटक बंद है, चलिए ट्रेन भी आ गई लेकिन लोगों की भीड़ है, लोग कोई आज सामने से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, कोई गलत ट्रैफिक है, सब एक दूसरे में उलझे हुए हैं, और आपको जल्दी से कॉलेज पहुंचना है क्योंकि आपके फेवरेट प्रोफेसर की क्लास लगने वाली है, अगर आप वो मिस कर जाएंगे तो क्या होगा। इस डेडली जल्दी से जल्दी पहुंचने के अंदर आपके अंदर एक स्थिति होगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा हॉर्न बजाएंगे और लोगों के आपके मन में कुंठा एक अग्रेसिव बिहेवियर उत्पन्न होगा कि साइड क्यों नहीं करें, मूर्ख हैं लोग जो रोड एक दूसरे में फंसा रखी गाड़ियाँ। ये एक तरह से समय की सीमा का सख्ती पालन करना या समय का दबाव भी व्यक्ति के अंदर अग्रेसिव बिहेवियर को उत्पन्न करता है। उत्तेजना, चिंता और तनाव, अगर किसी काम कोई करना है और आपको बहुत अत्यधिक चिंता है, कोई टेंशन है, ये भी व्यक्ति के अंदर आक्रामकता को जन्म देती है। फिर आजकल के समय में अगर आप देखते हैं तो मीडिया भी बहुत बड़ा निर्धारक बन गया है, खास करके सोशल मीडिया, इस पर हर रोज़ अपराधी क्राइम की वीडियो जाती हैं, लोग किसी को मार पीट रहे हैं उसकी वीडियो बना लेते हैं, किसी का मर्डर है, कोई जानवर को मार रहे हैं, तो ये क्या होता है, उसको देख कर व्यक्ति के अंदर, जैसे अल्बर्ट बंडूरा साहब ने बताया था कि किस प्रकार से व्यक्ति के अंदर देख कर अग्रेसिव बिहेवियर जन्म लेता है, तो वो भी देख कर भी आजकल सोशल मीडिया भी बहुत बड़ा निर्धारक बन गया है, खास करके एग्रेशन का। परिस्थितिपरक अपमानजनक व्यवहार, जैसे कि आप देखेंगे भारतीय कंटेक्स्ट में आप देखें जाति, और वेस्टर्न कंटेक्स्ट में आप देखेंगे तो प्रजाति, रेस, अगर आपको रेस के प्रति में आपके जाति के बारे में टिप्पणी करता है, ये स्थिति की देखिए व्यक्ति के अंदर अपमान उसको अपना फील करता है, वो उसको बेइज्जती लगती है, और उसके कारण से उसके अंदर अग्रेशन की भावना जन्म होती है। फिर आप देखेंगे जानबूझ कर उत्तेजित करना, किसी को बार बार वो छेड़ देना, अराउज करना, वो भी एक आप व्यक्ति में एक परिस्थितिपरक डिटर्मिनेंट है। और दर्द, दर्द भी क्या होता है, हल्का दर्द, ये देखिए दर्द का इसमें कंसेप्ट है, अगर आपको थोड़ा दर्द होता है, कोई कांटा चुभ जाता है, किसी कीट पतंगे ने आपको काट लिया है, या किसी ने हल्का सा आपको मतलब किसी ने थप्पड़ मार दिया, कोई डंडा, या तो इस तरह से क्या होता है, ये जो हल्का दर्द है व्यक्ति के अंदर आक्रामकता में वृद्धि करता है। लेकिन वहीं पर अगर दर्द ज़्यादा है तो व्यक्ति के अंदर आक्रामकता रिलेटिवली कम पाई जाती है। और देखिए अगला हम बात करते हैं व्यक्तिगत, पर्सनल, कौन कौन से, जैविक, जो बायोलॉजिकल कारण होते हैं, निर्धारक होते हैं। लिंग, आप देखेंगे कि पुरुषों में महिलाओं के अपेक्षा आक्रामकता ज़्यादा पाई जाती है, कई बायोलॉजिकल रीजन्स हैं इसके, टेस्टोस्टेरोन जो है ये पाया गया है, सेरोटोनिन को आप देखेंगे, अगर सेरोटोनिन व्यक्ति में कम होता है तो आप देखेंगे कि उसके अंदर आक्रामकता ज़्यादा होती है। और अगर उसके अंदर ये देखा गया है कि जब व्यक्ति अग्रेसिव होता है तो उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा पाया जाता है, और कई रिसर्च ने इसको उल्टा भी प्रूव किया है कि अगर किसी के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल पुरुषों में ज़्यादा है तो महिलाओं के अपेक्षा उनके अंदर आक्रामक व्यवहार ज़्यादा होगा। आयु, एज भी है, अगर आप जो देखिए यंग है, युवा लोग हैं, उनके अंदर आक्रामकता अपेक्षाकृत बुजुर्गों के या बच्चों के कम पाई जाती है। तो इस तरह से आयु है, लिंग है, ये सारे कुछ जैविक कारण हैं, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये सारे जैविक कारण होते हैं, व्यक्तिगत कारण होते हैं या निर्धारक होते हैं आक्रामकता के। नशीली दवाओं का उपयोग, ज़्यादा शराब पीना और दवाएं लेना, नशीली नशा करना, शराब जो है आक्रामकता को बढ़ा देती, हालांकि डिप्रेसिव इफेक्ट करती है लेकिन एक कुछ समय के लिए व्यक्ति के अंदर अग्रेसिव बिहेवियर को बढ़ा देती है। उसका दुरुपयोग, मनोवैज्ञानिक विकार, डिमेंशिया, डिमेंशिया मतलब भूलने की आदत, या कई और फैक्टर्स होते हैं, कई चीज़ें डिमेंशिया का एक कंसेप्ट है इसका, भूलने का, अगर कोई चीज़ आपको याद नहीं आ रही, बार बार आप कोशिश कर रहे हो, बहुत बार गुस्सा था, आपको अपने बाल नोचना शुरू कर देते हो, या पेन को बच्चे या पेंसिल को तोड़ देते हैं कई बार जो कोई बात याद नहीं आती है, तो ये कुछ ये विकार हैं। मनोविकृति, साइकोसिस, या मस्तिष्क में चोट लग जाती है, यानी माइंड में कोई लेसन हो जाए, कोई चोट लग जाए, कोई इंजरी हो जाती है, या सम टाइम ट्यूमर का भी कारण होता है, यानी बहुत सारे मनोवैज्ञानिक विकार होते हैं जिनके कारण से भी व्यक्ति अग्रेसिव बिहेवियर करता है। तो डियर फ्रेंड्स, प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा विषय था डिटर्मिनेंट्स, यानी इसके निर्धारक, अग्रेसन के निर्धारक, हमने सबसे पहले निर्धारक देखे, एक बार फिर देखते हैं, सामाजिक, पर्यावरणीय, उसके बाद आप देखिए परिस्थितिपरक और व्यक्तिगत, ये चार ही मुख्य निर्धारक हैं जो व्यक्ति के अंदर अग्रेसिव बिहेवियर को निर्धारित करते हैं या उसके अंदर उसको उत्पन्न करते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे, ये मैंने रेफरेंसेज हैं, कहाँ से ये सब कुछ मैंने लिया है, आप इस पर यहाँ पर जाकर क्रॉस चेक कर सकते हो। डियर फ्रेंड्स, हमारा अगला व्याख्यान होगा, यानी हमारा अगला लेक्चर होगा आक्रामकता के सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, कुंठा आक्रामकता परिकल्पना
और सामाजिक अधिगम सिद्धांत। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जल्दी ही फिर मिलेंगे। इस वीडियो संबंधित कोई आपको कोई भी किसी प्रकार की समस्या हो, कोई शक हो और या कोई क्रिटिकल कमेंट्स हो, आप इसमें सुधार करना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर लिखिए vermasujit@yahoo.com। इसी के साथ साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रेजेंटेशन ट्यूब टीम का, जिन्होंने इतने अच्छा सॉफ्टवेयर को डेवलप किया। दोस्तों एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।